हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बॉबी व्लॉग। और मैच तो देख लिया आप सब लोगों ने। पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका था ये तारीख बदलने का। बरसों सालों से जो चला आ रहा है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया से कोई मैच नहीं जीता, हारता रहा, मगर एक ही अच्छा मौका था। हमेशा बाबर आजम रिजवान आराम आराम से टुक टुक खेलते रहते हैं, अब उनको चाहिए था किस तरह खेलते हैं, मगर रिजल्ट कुछ और। जब इंडिया ने बैटिंग शुरू की तो ऐसा लग रहा था कि आज इंडिया 150 या 180 रन करेगा, इतना ज़बरदस्त स्टार्ट। रोहित शर्मा जब पहला ओवर कराया, शहनशाह अफरीदी ने छक्का भी लगाया रोहित शर्मा ने, और लगा था पिच अच्छी है बैटिंग के लिए, पीछे छक्का लगाया। एक ओवर ऐसी एक ओवर हुआ, उसके बाद बारिश हो गई, मैच रुक गया। दस मिनट के लिए मैच रुका, जब दोबारा मैच शुरू हुआ उसके बाद बॉल जो मूव हो रहा था बहुत ज़बरदस्त, विकेट और ख़तरनाक हो गया बहुत ज़्यादा बारिश के बाद। जैसे ही बारिश के बाद जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो विकेट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया, बॉल मूव हो रहा। उसके बाद पाकिस्तान बॉलर ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, ज़बरदस्त कमाल की। नसीम शाह ने तो बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग, ज़बरदस्त बॉलिंग की। विराट कोहली को भी आउट किया उन्होंने। नसीम शाह 4 ओवर 21 रन 3 विकेट, ज़बरदस्त बॉलिंग की। हारिस रऊफ ने 3 ओवर में 21 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और मोहम्मद आमिर 4 ओवर 23 रन 2 खिलाड़ियों को। पाकिस्तान की जानब से बॉलर ने तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, अपना पूरा रोल निभा दिया। जिस तरह बॉलिंग विकेट दी उन्होंने पूरा अपना रोल निभाया और बॉलिंग ज़बरदस्त की। इंडिया को जल्दी भी जल्द से जल्द आउट किया, 119 रन पे ऑल आउट कर दिया इंडिया को। इंडिया के 12 ओवर में 80 रन थे, और उसके बाद इंडिया 19 ओवर में ऑल आउट हो गया, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेला इंडिया, 19 ओवर में ऑल आउट हो गया। जब पाकिस्तान की बारी आई, और उनकी जानब से मैंने आपको पहले जैसे कहा था कि ऋषभ पंत वो पिच के ऊपर डटे रहे, खड़े रहे, बॉलिंग विकेट थी, मगर फिर भी वो काफ़ी देर तक खेलते रहे। उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, 42 रन की 31 गेंदों में बहुत ज़बरदस्त। और अक्षय पटेल जो उनके स्पिनर हैं, उन्होंने भी 20 रन किए 18 गेंदों में। टोटल लगाया इंडिया ने बोर्ड पे, टोटल लगाया 119 रन 19 ओवर में। पाकिस्तान की बारी आई तो शुरू में तो अच्छा खेला, बाबर आजम जल्दी आउट हो गए। उसके बाद वही दोबारा वही कहानी सारी कि तू जा मैं आया, यही पाकिस्तान की पुराना रिवायत पहले वाली चलती रही। यार चाचा इफ्तिखार चाचा की समझ नहीं आती है कि कब तक इसको कितने चांस देंगे। यार चाचा को चाहिए था फिर भी इतनी 9 बॉलों में 7 रन। एंड पे वो भी बड़े अहम मौके पर जाके चाचा ने 3 बॉलें डॉट की, उस टाइम के बाहर जा रही है बॉल और चाचा इफ्तिखार भाई वाइड थोड़ी है, इसको तू छोड़ रहा है, लेफ्ट कर रहा है, ये वाइड बॉल थोड़ी है। चाचा को कब अकल आएगी यार। हमेशा चाचा को बहुत बड़ा रोल था इस मैच को हराने में, चाचा ने बहुत अहम रोल अदा किया, मगर क्या कह सकते हैं इफ्तिखार चाचा। इंडिया की जानब से जब रिजवान ने 31 रन किए 44 बॉलों में, उसके बाद 15 रन किए अहमद वसीम तो जब खुद बाहर बैठे रहते थे बड़ी तनकीदें करते थे कि सही नहीं खेला, ये किया वो किया ऐसा हुआ, ये बैटिंग अच्छी नहीं की, ये नहीं किया वो नहीं किया। जब खुद अब खुद आया तो क्या वो पता चला 23 बॉलों में 15 रन मार के गए। इफ्तिखार 23 बॉलों में 15 रन बना के गए अपने, पहले तो बड़े कहते थे बड़ी तनकीदें करते थे लोगों पर, जब खुद आए तो देखा पूरे ओवर में खेल पाए। जब नसीम शाह एंड में आके 4 बॉलों में 10 रन मार गए, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट स्टेबक जो है नसीम शाह का पूरी टीम में, 4 बॉलों में 10 रन। और एंड टाइम पे तो नसीम शाह रो पड़े कि मैच को फिनिश नहीं कर पाए। पाकिस्तानी अवाम को यही कहना है कि अगर नसीम शाह जल्द आ जाते तो मैच जीत सकते थे, मगर चाचा इफ्तिखार और अहमद वसीम अगर जल्दी आउट होते तो हम ये मैच जीत सकते थे, ये पाकिस्तानी अवाम का कहना है, अब ये कहना है। मगर इंडिया ने यहाँ बहुत ज़बरदस्त खेला, बुमराह जैसा मैंने आपको कहा था ना, बुमराह अपनी पीप पे पूरा ज़बरदस्त, फुल पीप पे, 4 ओवर
14 रन, 4 ओवर 14 रन, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैंने तो मैच रहे बुमराह इस मैच में। पांड्या, पांड्या ने बैठ के, मैंने आपको कहा था कि पांड्या हमेशा चलता है पाकिस्तान के खिलाफ, कुछ भी हो जाए बैटिंग नहीं तो बॉलिंग अच्छी करता है। वो बैटिंग में नहीं चला तो बॉलिंग उन्होंने क्या कमाल की बॉलिंग की ज़बरदस्त। पांड्या ने 4 ओवर 24 रन, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शादाब खान को भी आउट किया बुमराह ने वो पांड्या ने। उसके बाद अक्षय पटेल, अक्षय पटेल ने भी 2 ओवर में 11 रन दे के एक खिलाड़ी को आउट किया, 20 रन भी किए और ऊपर से 2 ओवर में 11 रन भी दिए वो। तो पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया से हार गया। पूरे कौम को ये उम्मीद थी कि ये टारगेट चेस कर लेंगे, बना लेंगे, मगर पाकिस्तान ने कहा नहीं, ये पाकिस्तानी टीम है, ये कुछ भी कर सकती है, जीता हुआ मैच भी हार सकती है और हारा हुआ मैच भी जीत सकती है। तो अब तो पाकिस्तान का बहुत मुश्किल चांस है। अब ये अगर मगर वो जीत जाए तो ये हो जाए, वो हो जाए, बारिश हो जाए, उसका पॉइंट मिल जाए, आयरलैंड हरा दे USA को, तो पाकिस्तान ये कर दे, इंडिया USA को हरा दे, ये कर दे, वो बारिश हो जाए, अगर मगर ये खराती पॉइंट मिल जाए, ये वो मिल जाए, पाकिस्तान के बरसों से रिवायत चलती आ रही है, यहाँ से खराती पॉइंट मिल जाए, ये हो जाए। 1992 में 20 तारीख पाकिस्तान को खराती पॉइंट मिला था, पाकिस्तान आगे चला गया था, वर्ल्ड कप जीत गया था, मगर अभी मैच बाकी हैं, कुछ कह नहीं सकते, ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी गाइस, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें भूमि ब्लॉग।